सेक्टर 14 SDMC के पार्क में कुछ जिम इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अलग तरीके के इक्विपमेंट्स हैं। इलाके के काउंसलर राजदत्त गहलोत ने बताया कि ये सेट पुराने जिम के अलावा अलग से लगवाया गया है। जैसे आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि जॉगिंग ट्रैक भी साथ साथ तैयार हो रहा है, जिससे महिलाओं को, बच्चों को और स्पेशली जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, उनको काफी फायदा होगा। नित्या नंदिनी, वन ऑफ इट्स काइंड ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर इन द्वारका। आयुर्वेदिक डॉक्टर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। एक्सपीरियंस द हीलिंग। दिल्ली सरकार द्वारा पिछले 14 जून से दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में 15 दिवसीय भोजपुरी और मैथिली नाट्य, नृत्य व संगीत का कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इसी तरह द्वारका में भी 2 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, एक यहां की जाने मानी नाट्य संस्था रंगश्री के स्टूडियो थिएटर में और दूसरा सेक्टर 4 के इस पातिका अपार्टमेंट में। और इस कार्यशालाओं में करीब 30 बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यशालाओं का निरीक्षण करने पहुंचे एकेडमी के उपाध्यक्ष नीरज पाठक और उनके गवर्निंग बोर्ड के सदस्य कैलाश मिश्रा। इस एकेडमी की पूरी जानकारी आपको जल्द ही बताई जाएगी। हाल ही में द्वारका हेलो मॉम्स NGO में 5 दिन का समर कैंप चलाया गया, जिसमें कि बच्चों के बीच में डांस, म्यूजिक और ड्राइंग का कंपटीशन कराया गया। कंपटीशन में NGO के काफी बच्चों ने भाग लिया। ड्राइंग कंपटीशन का टॉपिक था हैप्पीनेस एंड सरप्राइजिंग। बच्चों ने इस टॉपिक को दिखाने के लिए परिवार, आसपास के एनवायरनमेंट और भी बहुत कुछ दर्शाया। परमार्थी को केवल 1 रुपए प्रतिदिन का आपका योगदान भी द्वारका को इस तरह साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने में काफी सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। DDA सेक्टर 5 के पार्क में अपना हेल्थ क्लब ने अपना दूसरा एनुअल डे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर वहां आए लोगों को वृक्ष भी लगाने को दिए गए और इसके साथ साथ केक भी काटा गया। इस क्लब में 300 से भी ज्यादा मेंबर शामिल हैं और जो रोज सुबह सुबह पार्क में भी आते हैं। अभी हाल ही में त्यागराज स्टेडियम में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां पर एक प्ले के माध्यम से एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स डेवलपमेंट और साथ ही ये भी समझाया गया कि कैसे 12वीं के बाद जो बच्चे पास आउट हो जाते हैं अपने करियर के लिए स्टेप ले सकें और करेक्ट डिसीजंस ले सकें। द्वारका की रहने वाली प्रतिमा खंडेलवाल इस नाटक की सूत्रधार थी। एक नई सोच है, सब बढ़ाओ कदम, फिर बदलता सवेरा भी देखे हम। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पाठ्यक्रम, आओ मिलकर चलो साथ सीखेंगे हम। अगर आप ये वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज लाइक करें। और अगर आप इस वीडियो को वेबसाइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और सुनते रहिए रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।